ओम तत्सत। थोड़ा और मुस्कुरा के बोलिए हरिओम तत्सत। उसने प्यार को उड़ेल के और अच्छा मुस्कुराई दे बोले हरिओम तत्सत। आइए सर्वप्रथम तीन बार ओम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। क्लोज योर आइज। ज्ञान या चिन्ह मुद्रा या बुद्ध मुद्रा गहरी सांस लेकर संपूर्ण शरीर का निरीक्षण। बी अवेयर ऑफ योर फिजिकल फॉर्म। चेतना को शारीरिक अंगों पर घुमाते हुए केवल दो बातों का ध्यान कि मैं सीधा बैठा हूं एंड नो मूवमेंट एट ऑल। स्थिरम सुखम आसनम। श्वास पर आइए। नासिका रंध्रों से श्वास के प्राण और अपान के प्रवाह को महसूस कीजिए। नासिका रंध्र कंठ और नाभि प्रदेश मणिपुर चक्र तक अपान वायु निकालते समय श्वास निकालते समय चित्त को भ्रूमध्य में लाइए। एक प्रकाश एक लौ एक आत्म ज्योति का भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र में अवलोकन करने का प्रयत्न। रेडी मेरे साथ ओम के उच्चारण में तीन बिंदुओं पर सस्वर प्रवाह करेंगे। प्रथम ओम के उच्चारण पर आ की मात्रा ज्यादा, दूसरे उच्चारण में ओ की मात्रा ज्यादा, तीसरे उच्चारण में मकार। ओम इत्येकाक्षर मंत्र अनुस्वर का उच्चारण करेंगे और बंद रखे। तो आइए श्वास अंदर लीजिए मेरे साथ।
एक गहरी सांस लेकर अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ बैठे। रब योर पाम, टच योर राइट, मसाज योर फेस, ब्लेस योर हेड। दोनों नेत्रों को खोलिए, ओपन योर आइज। एक बार पुनः बोले हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। आपकी बात तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ विश्वविद्यालय में। बहुत अच्छा। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। बाकी सब गप सब। प्यारे बच्चों, उत्साह दिलाने के लिए एक बार जरा पांव तो पसार आजू बाजू। दोनों एड़ियां रख के पीछे हाथ रखो, पीछे की ओर ऐसे तनो कि हाथ और एड़ी जमीन पर रहे, पूरा शरीर अप। श्वास अंदर, लुक बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आओ। ये तुम्हारी नेचुरल मुस्कुराहट था बेटी, ऐसा लगा कि गीत साहब से थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। देखो भाई, उनका नाम तो गिरी सर, गिरी माने वो रहने वाले भी उधर ही थे। मेरे को वहां सब गिरियों के दर्शन भी करा दिए हैं उन्होंने। प्यारे बच्चों, पालथी लगा लो पुनः। साथियों, विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हुआ उस अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ आत्मा डॉक्टर हरि सिंह गौर को, गिरी साहब को मैं गौर में समा रहा था, गौर साहब को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सागर निवासी सदैव उनका ऋणी रहेंगे पीढ़ियों दर पीढ़ियों, जैसा कि अभी नितिन गोरपाल जी अपनी हर वाणी से व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर गिरी साहब आज के मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हुए पंकज जी तिवारी जी, हृदय से मैं उनको अपने दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि वो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में अपना श्रेष्ठ योगदान देकर इस परंपराओं को जो ऊपर इसकी आयोजन की मुख्य विषय है अपना योगदान देते रहें। प्यारे बच्चों, मुस्कुराने के लिए बतलाता हूं। देखो, प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। बिना मोदी बोले बताओ। नरेंद्र। और जोर से बताओ, नरेंद्र। 1893 में, 1893, एक और तुम्हारी उम्र के युवा अंतर्राष्ट्रीय विश्व धर्म सम्मेलन में व्यक्त करने गए थे अपनी बात को भारत का पक्ष रखने के लिए। क्या उनका नाम था? नरेंद्र। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ अवर योगिक अवेकनिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। नरेंद्र से नरेंद्र। उन्होंने अनेक देशों के विराजमान धर्म के मूर्धन्य लोगों के बीच में अपना वक्तव्य केवल प्यार भरे शब्दों में कहा, भाई और बहनों। कई लोग बोलते हैं कि 5 मिनट तक जितना उनको समय दिया था उतनी देर तक तो केवल तालियां बजती रही और संपूर्ण आगंतुक श्रोता तालियां बजाते रहे और भी लोगों को तालियां बजी होंगी। तो किसी ने प्रश्न किया, अरे ऐसा नहीं है, हम तो सबको तालियां बजती हैं। पर उन्होंने ऐसा क्या कहा? आत्मा की आवाज। योग में बेटा दो चीजें बहुत जरूरी हैं पंकज जी, एक है गुरु और दूसरा है ज्ञान।
आपको जानना भी चाहिए योग, और योग का कोई गुरु भी होना चाहिए। शिक्षक तो होते हैं, व्याख्या तो होते हैं, हम लोग आचार्य तो हो सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं हो सकते। नितिन जी, एक गुरु जीवन में होना जरूरी है। ये मेरी पहली बात आपसे निवेदन है कि योग में निश्चित रूप से नितिन जी बता रहे थे अपने उद्बोधन में, आपको समझा रहे थे, पूर्व जन्म का फल है। अकेले माता पिता का तो हमारे लिए संस्कार रूप में जो मिला है वो तो है ही है। डॉक्टर गौर के माध्यम से विश्वविद्यालय में योग विश्व का पहला स्थान डॉक्टर कालिदास जी के समय में था। डॉक्टर कालिदास जी के समय में मैंने यहाँ क्लास अटेंड करी थी। ऐसे बड़े अध्ययन के हठ योग सिखाने डॉक्टर गिरिशाम उनके घर ही जाता था। मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से उसमें करके लौटे ही लौटा था, तो बोले हठ योग करके बताओ। बिहार स्कूल ऑफ योग में जो उनको आमंत्रित करते थे तो वो वहाँ से जानने लगे थे कि हमारे सागर का भी कोई यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं सन्यासी था, परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का शिष्य हूँ, उनको नमन करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ। उन्होंने पांच चीजें योग के माध्यम से इस विश्व को दी। पांच चीजें इस विश्व को दी, उनमें से एक है योग निद्रा। ये शब्द ही पहले नहीं था, गीता में आता है कि उन्होंने उसका व्यवहारिक रूप दिया योग निद्रा के माध्यम से। नासा के उन वैज्ञानिकों को जो अंतरिक्ष में उड़ाने भरते थे वहां तक उनको आमंत्रित किया गया और उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई कि निद्रा जो 8 घंटे 9 घंटे में मनुष्य का शरीर पूरा कर पाता है वो केवल 30 मिनट में, 30 मिनट में योग निद्रा के अभ्यास के माध्यम से हम पूर्णतः चैतन्य और शिथिल होकर के कर्मयोग करने के लायक हो जाते हैं। पहली ध्यान है क्या है, योग निद्रा। दूसरी ध्यान है अंतर्मौन। अभी डॉक्टर साहब के लिए बता रहे थे वो अंतर्मौन का एक छोटा सा खंड है, चारों तरफ देखिए, केवल ऐसे ही बता रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ अवर योगिक साइंस, साइंस शब्द को अनेक विश्व के देशों में जाकर के उन्होंने अंतर्मन के माध्यम से उनको जो स्थिर नहीं बैठ सकते, उनको जो चंचल है, जब हैप्पी मूवमेंट चला था नितिन जी, क्या था, हिप्पी, नॉट हैप्पी, हिप्पी, हिप्पीज युग का एक पूरा युग हुआ है, तब स्वामी जी विदेशों में जाकर के आमंत्रित किया जाता था उन्होंने, और उन्होंने उन पर जो स्थिर रह नहीं सकते थे अंतर्मन के अभ्यास से अपने मन को समुद्र के किनारे, पर्वतों के किनारे, पृथ्वी के किनारे, आसमान के किनारे, वायुमंडल में देखो, महसूस करो, और फिर अपने उदर में, अपने हृदय की धड़कन में, अपने गुरु मध्य में, यानी गार्डन में, जैसे कि सर ने भी समझाया था, हरियाली के बीच में, क्यारियों में, पेड़ पौधे पत्तों में, फूलों में, ये वो अंतर्मन है जिसमें आप एक बार मन को नहीं बल्कि चेतना को विस्तृत करते हैं और फिर एकाग्र करते हैं। एकाग्रता एक बिंदु पर लाते हैं, लेकिन उनके लिए जिनका मन चंचल होता है। तो दूसरी बात इस विद्या को बोलते हैं अंतर्मौन। और तीसरा उन्होंने बताया गिरी साहब चिदाकाश धारणा। इससे प्रैक्टिकल अभ्यास को कोर्स में भी लाइएगा, कई प्रकार से है भी लेकिन सीधा चिदाकाश धारणा, चित्त के आकाश में स्थिर होने की प्रक्रिया।
कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी इस धारणा को करने के लिए गए। महर्षि अरविंद ने चिदाकाश धारणा की, परमहंस योगानंद जी ने तो अपने प्राण छोड़ते समय, प्यारे बच्चों आपको बता दूं ऐसे ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने जिस दिन शरीर छोड़ा है उस दिन अनेक कंट्री के विद्वानों को आमंत्रित किया सभा में, उनका आखिरी व्याख्यान हुआ किसका, परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद जी भारत के लेटेस्ट हैं, 1952-55 के आसपास। ऐसे महान योगियों ने अलग अलग प्रकार से चिदाकाश धारणा के माध्यम से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। हम ये कहते जरूर हैं अरविंद की, योगानंद जी की, विवेकानंद जी की, रामकृष्ण परमहंस जी की, परमहंस स्वामी सत्यानंद जी की, और अभी हाल ही में तो यहाँ स्वामी नरेंद्रनंद जी को गिरी साहब ने बुलाया और वो यहाँ आए रहे अपने विश्वविद्यालय। तो स्वामी नरेंद्रनंद जी भी चिदाकाश धारणा के माध्यम से इस स्थिति में पहुंचे। इन सब तीन के बाद में जो चौथी क्रिया उन्होंने इस विश्व को दी वो थी, शब्द है आप पढ़ते हो त्राटक विधि। कैसे किया जाए, कितने दिन किया जाए, मैंने खुद 10th के सर सप्लीमेंट्री के 8 स्कूलों के छात्रों को और फिर सफल होने के बाद में पूरे वर्ष भर त्राटक अभ्यास कराया, 40 मिनट्स होता था, आपको भी कराया है। त्राटक के माध्यम से उस साल 10th की सप्लीमेंट्री में 92 छात्र शामिल हुए, फेल तो एक हुए नहीं, किसी का भी प्रथम श्रेणी से कम नंबर नहीं आया, 92 की बात है। तब भारत सरकार के मंत्रालय ने मुझे बेस्ट योगा टीचर का अवार्ड दिया। उससे न केवल मैं उत्साहित हुआ बल्कि मैंने अपने जीवन में भी त्राटक के लिए शेयर करने का संकल्प भी लिया। 5 साल 12th के छात्रों को योग अभ्यास एक पीरियड में कराया। उन्होंने कहा कि आपने आर्ट्स के छात्रों को कराया, अच्छा रिजल्ट रहा, मैथ्स वालों को करा के देखी। 36 बच्चे IIT में सिलेक्ट हुए। टीचरों ने भी ज्यादा ध्यान दिया, कॉमर्स वालों को पढ़ाया, कॉमर्स वालों को त्राटक कराया, तो मुझे भी डर लग रहा था कि पता नहीं छात्र, लेकिन संस्कारित आप जैसे पूर्व जन्म से जो आए हैं जैसा कि नितिन ने कहा, तो ऐसे छात्र मिल गए मुझे और वो सब न केवल पास हुए, 3rd डिवीजन किसी के नहीं आए, और उन्होंने 5,000 रुपया टॉपर को मिलते थे। ऐसे 9 विद्यार्थियों को कॉमर्स में 5,000 और लास्ट है उनका सर्वश्रेष्ठ इस युग के लिए, वो है उन्होंने कहा कि हमेशा जब आप अंतर्मुख होते हो तो नासिकाग्र ध्यान, नासिकाग्र ध्यान में आप नासिका के रंध्रों में प्राण महसूस करो, कंठ में प्राण महसूस करो, नाभि में महसूस करो, नाभि से वापस चेस्ट में महसूस करो, कंठ में महसूस करो और फिर नासिका रंध्रों में। लेकिन नासिकाग्र ध्यान कब होगा,
जब आप जैसे त्राटक करते हो ना, ये त्राटक से थोड़ी और सूक्ष्म और गहन प्रक्रिया है। नासिका कृष्ण भगवान जी ने भी गीता में नासिका पर अर्जुन को करने के लिए कहा। नासिका के अग्रभाग को मानो आप देख रहे हैं तो आप अपने आप भ्रूमध्य में चले जाओगे। और जैसे ही भ्रूमध्य में गए, आपके अंदर की जो चीज है जिसे हम इंट्यूशनल एबिलिटी बोलते हैं, वो जागृत होती है। इंट्यूशनल एबिलिटी हमारे और आप सबके बीच में कहां पर है? भ्रूमध्य। अगर हम भ्रूमध्य में यहां उंगली रखें और पीछे हमारे बुंदेल खंड में बोलते हैं चैंती, इधर सिर के पीछे भाग में जिसे हम बिंदु चक्र बोलते हैं, पीछे ध्यान रखें और इधर से आर पार करें, तो जहां प्लस पॉइंट बनेगा भीतर, उस जगह को त्रिकुटी बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं, भ्रूमध्य बोलते हैं। अगर दोनों भावों के बीच में, तो ये कब आता है? जब आप तीन अभ्यास करते हो, बी एक्सरसाइज। अभी पूरा विश्व पहले भी चल रहा है बी एक्सरसाइज, पूरा विश्व, भारतवर्ष में कुछ ज्यादा हो गया है आप लोगों के सहयोग से। दूसरा भी बी एक्सरसाइज में, और तीसरा भी सबने शुरू नहीं किया, चाहे कॉलेज में करा रहे हो आप, चाहे जेल में करा रहे हो, चाहे तीसरा बी अभी छुए नहीं। पहला बी एक्सरसाइज बॉडी एक्सरसाइज, दूसरा बी एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तीसरा बी एक्सरसाइज ब्रेन एक्सरसाइज। बॉडी, ब्रीदिंग एंड ब्रेन। बॉडी एक्सरसाइज से आपके अंदर में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास योग निद्रा है। लेकिन आपको तीन प्रकार के योग निद्रा के द्विविध तत्वों का ध्यान करता है। पहला स्थूल शरीर, दूसरा परिवेश और तीसरा चेतना। तब आप योग निद्रा के माध्यम से, जो कि आधा घंटे की मैक्सिमम होती है, लेकिन सवासन से ज्यादा करने और ये हर विद्यार्थी को करना चाहिए, खासतौर से एग्जामिनेशन के दिनों, खासतौर से पुस्तक का वो पाठ जो कल परीक्षा में आने वाला है आप पढ़ लो और फिर लेट जाओ। केवल सोना नहीं तो हमने यहाँ कराए हैं सर पंकज जी, कई विद्यार्थी हमारे साथ योग निद्रा में वर्जित क्या है? सोना नहीं। और दूसरा क्या जरूरी है? हमारी आवाज, कराने वाले की आवाज सुनना और महसूस करना। तो चिदाकाश धारणा तो बहुत दूर है, हमें अभी इस प्रक्रिया को अपनाने पर थोड़े अंतर्मुख होकर के अंतर यात्रा को करने का जो अभ्यास मिलता है। एक घटना को सुना करके मैंने आगे बढ़ूंगा। स्वामी नरेंद्र नंदन जी लंदन में थे और उनकी उम्र लगभग 20-22 साल लगी होगी सर, उस समय की बात है। किसी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत उनको आमंत्रण मिला, उन्होंने वहां जो कुछ बोला तो बाद में साइंटिस्ट और मेडिकल ऑफिसर उनके पास आकर के कहने लगे, यही सब्जेक्ट सर तो हमने आपके लिए चुना था बोलने के लिए, आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जब योग निद्रा की तो मेरे गुरुजी ने बताया कि तुम इस विषय पर बोलो, कुछ गलती हुई है क्या? तो बोले नहीं, इतना श्रेष्ठ जो जो क्वेश्चन थे वो सबके क्वेश्चन उत्तरित हो गए।
योग निद्रा के माध्यम से अंतर निहित वह ज्ञान जागृत होकर के हाथ की कलम से और वाणी से प्रकट होता है। ताली बजाएं। योग निद्रा कितनी बढ़िया है, कुछ नहीं करना, लेट जाओ। आप YouTube पर योग निद्रा शब्द डाल के तो स्वामी नरेंद्रानंद की वाणी में अभ्यास भी कर सकते हैं, क्योंकि चिदाकाश धारणा और अंतर्मन आपको करना है, लेकिन योग निद्रा कराई जाती है। सब बड़ी है, इसकी एक दिन कराएंगे, को है डेट रखी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। I am very happy to listen, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को समझाते हुए लिखा है, बहुत अच्छा गीत गाया उस बेटी को, कहाँ बैठी है, इधर आज बैठा, बहुत बढ़िया। I am very happy, और ये सुनकर के तो बहुत अच्छा लगा। एक एक शब्द तुम्हारा बंधन था। तो जब आप आंतरिक ऊर्जा योग के माध्यम से जागृत करते हो, तो जैसा मैंने बताया, विवेकानंद जी ने बोला तो तालियां बजी, बाकी सब लोग बोल रहे थे तो तालियां नहीं बजती थी इतनी देर। तो उसके अंदर में जो चेतना शामिल हो जाती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो असर करती है श्रोता। क्या आप अपनी चेतना को आध्यात्मिक रूप से जागृत करके निस्वार्थ भाव से सबके सामने प्रस्तुत करने की कला जानते हो, नहीं तो सीखो, और ये सर्वश्रेष्ठ अवसर है इतने दिन का। और कितनी बढ़िया बात है हिंदुस्तान के लिए कि वो गुरु रूप में 193 कंट्री का पहले ही दिन, एक और विचित्र बात बताऊं, स्वामी विवेकानंद जी ने जब ये बोला तो सितंबर की 27 तारीख थी 1893, तो जब नरेंद्र जी ने ये प्रस्ताव तमाम कंट्रियों के सामने रखा, 200 कंट्रियों, तो 193 कंट्री ने साइन किए, 27 सितंबर थी 27। अचानक नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है। ऐसे ही अपने जीवन में भी होता है, ऐसे ही अपने परिवेश में भी होता है, और योग कर्म के माध्यम से संस्कार देता है, ज्ञान के माध्यम से आपकी ऊर्जा को जागृत करता है, जिसमें आप, ऊर्जा का मतलब क्या है, आप अत्यंत पक्का इरादा करके हो, सब दुनिया में बोल गया, पक्का इरादा हो जाता है, संकल्प आपका दृढ़ हो जाता है। संकल्प जितना पावर, संकल्प करोगे तो संकल्प की पूर्ति होगी, दृढ़ हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको तीन आखिरी में बताऊंगा, सा सा और सा, उनके पास इंटेलेक्ट, मैं थोड़ा बैठा हूं आपके सामने, तो इंट्यूशन, इंट्यूशन अध्यात्म, ग्रीसा में तीनों से ऊपर है। तो प्यारे बच्चों, हम इंस्टिंक्ट इरादे से, इंस्टिंक्ट एबिलिटी से इंटेलेक्ट पर आ जाते हैं योग के माध्यम से, योग के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से, और इंटेलेक्ट से फिर इंट्यूशन में चले जाते हैं। जिसके पास इंट्यूशन है वो श्रेष्ठ हो जाता है, चाहे लीडरशिप में हो, चाहे सामाजिक संगठन में हो, सेवा में हो,
छात्र रूप में हो, अध्ययन के रूप में हो, इसलिए हमें श्रेष्ठ बनने के लिए संकल्प करना पड़ेगा। तो तीन चीजें साथ साथ क्या है, पहला तो बेटा साहित्य पढ़ना पड़ेगा। गिरी साहब ने बताया साहित्य, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। आपको योग अभ्यास करना पड़ेगा तब ज्ञान आएगा, ज्ञान से मोक्ष आएगा, इसलिए आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा पहला साथ। यू हैव टू स्टडी लिटरेचर। तो योग का साहित्य अध्ययन करो बेटा। दूसरा साहित्य साधना, फिर उसकी साधना करो। अकेले आसन से काम नहीं चलेगा, अकेले प्राणायाम से काम नहीं चलेगा, आपको चेतना का भी उसमें शामिल करना है, ध्यान का भी शामिल करना है। और तीसरा साहित्य संस्कार, जब आपके अंदर में आ जाएगा तो वो संस्कार गिफ्ट टू अदर्स दूसरों के लिए, ज्यों ज्यों दोगे त्यों त्यों पढ़ेगा। और गीता में भगवान ने कहा है कि जब वो ज्ञान नाभि में आ जाता है तो अर्जुन अगला जन्म फिर मेरे पास होता है, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा सुचा। तुम्हारा जन्म मनुष्य का तो होगा, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ होगा, विद्वानों के होगा, संपन्न लोगों के यहाँ होगा। इसलिए आप अरविंद ऑल इंडिया मेडिकल के जो डॉक्टर थे उनके यहाँ जन्म, जो चीफ एडवोकेट थे भारत के उनके यहाँ नरेंद्र जन्म। इस प्रकार से लोगों के जन्म होते हैं, हमारे जन्म होते हैं, और हम अगले जन्म में भी योग अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन को शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ देख करके प्रत्येक चेहरे में उस ऊर्जा को देख रहा हूं जो आपके पूर्वजन्म से भगवत प्रदत्त है, जागृत ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए उसको संकल्प के रूप में लेकर के बेटा जागृत करो। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम, लेकिन पहले योगा क्लैप गो। चेतना को यहाँ रखो गुरु मध्य में, नहीं तो मैं गुरु मध्य में से निकाल ठीक है। योगा क्लैप गो। लगता है फाइनल का छात्र गड़बड़ कर रहा है। योगा क्लैप गो। शाबाश, वेरी गुड। अब एक बार कम बोल करके हाथों में से सांस अंदर, 1 2 3 पास पास। थैंक यू।